नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप आज इस वीडियो में देखोगे कि हम पहाड़ों के लोग जो हैं, जैसे मक्के की खेती होती है, ये जो खेत है ये देख सकते हैं, इसमें तो मक्का तो नहीं है। यहाँ पर जो जंगली जानवरों ने मक्का ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में जो पहाड़ों के लोग होते हैं वो अपने खेत की रखवाली कैसे करते हैं, मक्के को कैसे बचाते हैं। मक्के का सीजन है ये, आपको मैं बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये मक्का है, मक्का भी कम से कम 8 फीट ऊंचा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मक्का है, तो इस खेत में मक्का हमारा कम से कम 2 क्विंटल तक हो जाएगा। छोटा खेत है मगर 2 क्विंटल ही बहुत होता है। और ये मीठी मक्की है। तो दोस्तों मक्की तो है मगर मक्की को बचाते कैसे हैं लोग, क्योंकि पशु इसको ना खा जाएं। एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जंगली सुअर ज़्यादा, जानवर ज़्यादा होता है, क्योंकि जंगली सुअर जो होता है वो मक्के मक्के को बहुत ज़्यादा खाता है। तो मक्के को बचाना पड़ता है कि जंगली जानवर ना खाए, जैसे शेर होता है, फिर ये गीदड़ होते हैं, ये खा, इसकी जो ऊपर भुट्टा होता है उसको खा जाते हैं। तो आज मैं बताऊँ कि पहाड़ों के लोग जंगल के अंदर कैसे अपने मक्के को बचाते हैं जंगली जानवरों से। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करते हैं कि आपको मैं ले चलता हूँ, आप मेरे साथ चलें, थोड़ा मैं खेत से जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा इधर तूफान ज़्यादा है, तो तूफान के कारण कुछ जानवरों ने भी मक्का जो है तोड़ रखा है। ये देखो पैरों में, ये देखो आपको नीचे मक्की दिख रही है, तो सुअरों ने इसको फेंक रखा है, तोड़ कर फेंक दिया। तो इसलिए अब हम इसको यहाँ पर रखवाली के लिए एक बैठने के लिए घर बनाएंगे छोटा सा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये मक्के का खेत आप देख सकते हैं, मक्की बहुत अच्छी मक्की है और यहाँ पर कम से कम 2-2.5 क्विंटल निकल जाएगी, तो इसको हमें बचाना है। ये भी मक्की है और नीचे आप देख सकते हैं जंगल है चारों तरफ। तो दोस्तों अब ये जंगल है, अब ये जो नीचे है ये साथ में ही उजाड़ है, तो यहीं से सुअर आ जाते हैं। ये साथ में जंगल है तो इसलिए हमें सुअरों से इसको बचाना है। तो कैसे बचेंगे, तो दोस्तों हमें यहाँ पर रखवाली करनी पड़ती है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। देखभाल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसी खुली जगह देखनी है अपने खेत के सेंटर में, साइड में, और यहाँ पर हम एक छोटा सा रात को सोने के लिए तन बनाएंगे, तन की उसका छोटी सी झोंपड़ी बनाएंगे जो ज़मीन से ऊंची हो, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में सांप होते हैं, तो पहाड़ों के सांप जो बहुत जहरीले होते हैं, तो इसलिए इसको ज़मीन से ऊंचा बनाना पड़ता है। तो थोड़ा हम इसको सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4 गड्ढे खोदेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने गड्ढे खोद रखे हैं, और इसके बाद ये जो मैंने बांस रखे हुए हैं, बांस के डंडे, तो इन बांस के डंडों को यहाँ लगाना है। इसके बाद फिर हम ऊपर रात को सोने के लिए बनाएंगे, फिर तरपाल डालेंगे और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप अगर इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चीज़ है आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ कि पहाड़ों के लोग अपने खेतों की रखवाली कैसे करते हैं जंगल में, क्योंकि मैदानी इलाके में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंगल के अंदर यहाँ पर हर प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारी फसल जो आदि जंगली जानवर खा जाते हैं उनसे बचाना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक खड्डे खोदेंगे, खड्डे खोदने के बाद हम ये डंडे लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम खड्डे खोद लेते हैं, खड्डे खोदने के बाद हम फिर यहाँ पर डंडे लगाएंगे, डंडे लगाने के बाद हम इसको एक बेड सिस्टम बनाएंगे। तो सभी ध्यान से देखेंगे और जो लोग पहली बार हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो खड्डे खोदने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए वो लोहे की रॉड, जिससे हम ये निकालेंगे, चप्पल होती है, तो देखेंगे सभी।
तो दोस्तों हमने खड्डे खोद लिए हैं, आप देख सकते हैं 4 खड्डे हमने खोद लिए हैं। तो खड्डा भी कम से कम 3 फुट का गहरा है। अब हमने 4 खड्डे खोद लिए हैं, अब इसके बाद हम डंडे लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे जो ये 4 पिलर हैं ये खड़े हो गए, ये जैसे मकान के पिलर होते वैसे होते हैं। अब इसके ऊपर हम डंडे मारेंगे और फिर डंडे बांध कर इसके ऊपर चारपाई रखेंगे, जिससे हमारा रात को सोने का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको बनाकर ऐसे पहाड़ों के लोग रखवाली करते हैं। अगर मैं पूरा वीडियो बनाता तो दोस्तों ये वीडियो जो था बड़ा लंबा चला जाता, इसलिए मैंने इस वीडियो को पॉज करके आपको उतना दिखा रहा हूँ कि 4 आपने ये बांस के डंडे खड़े करने हैं मजबूत, जिससे ये ना हो आप ऊपर सो जाओ और आपका जो है चारपाई नीचे आ जाए, ये काम नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर तूफान बहुत तेज पड़ता है, तो इसलिए तूफान से बचने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। मजबूत होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि घर में ही पास भी नहीं है, चारों तरफ जंगल है, भीग जाओगे। इससे बेटर है कि आप जो भी चीज़ बनाओ बढ़िया बनाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे इसके ऊपर चारपाई लगाते हैं, कैसे इसको फिट करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना, ये चीज़ें बहुत ही कम लोग दिखाते हैं, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों तब तक वेट करो, तब तक मैं इसके ऊपर वो लगा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ये 4 डंडे इसमें गाड़ दिए हैं और इसमें खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे हम बनाते हैं। अभी हम खाट भी ले आए हैं चारपाई, तो ये फोल्डिंग चारपाई है, तो इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। और उसके बाद ये हमारी तरपाल है, तो इसके ऊपर हम तरपाल डालेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे ये खाट। पीछे थोड़ा पीछे देखेंगे।
मिनट हो गए। तो दोस्तों इस पर खाट रख दी है, अब इसके बाद हम तरपाल रखेंगे। तो दोस्तों ये सोने का जुगाड़ होता है, रात को हम खेतों की रखवाली करते हैं, तो इसके द्वारा हमारे अगर सुअर वगैरह आते हैं तो हम इसको सुअर को भगा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम खेतों में हमने ये रहने के लिए बना लिया अपना। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लाइव दिखा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने तिरपाल डाल दी है, तो आपने देख लिया कि हमने तिरपाल कैसे डाल दिए। और ये आप देख सकते हैं अंदर से ये खाट हमने लगा दिया ऐसे ही। हम अभी इसको हम चारों तरफ से बांध देंगे तार से, तो फिर इस पर हम आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बन गया तन, इसको तन कहते हैं। और हम जब मक्के की फसल की वो करते हैं रखवाली, तो इसी के कारण हम रखवाली करते हैं और उस पर हम रात को आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पहाड़ों में ऐसा जुगाड़ किया जाता है मक्की को सेफ रखने के लिए, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऐसे यहाँ पर रात को मक्की की रखवाली करते हैं ऐसे करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना है। तो आप देख सकते हैं साथ में मक्के का खेत है। तो दोस्तों ये जुगाड़ होता है मक्के को बचाने के लिए, और कोई साधन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जो सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। पहले हमने चार बांस के डंडे इसमें लगाए हैं, उसके बाद हमने खाट को रखा इसके ऊपर और साथ में फिर उसके ऊपर तिरपाल लगा दे, इससे हम अब सेफ हैं, अब आराम से सो सकते हैं। तो आपने वीडियो देखा है कैसे मैंने बनाया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।